गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 10, दैट्स नेम इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ तो पहले भी लिया था, आज हम इसको क्या करना है, शॉर्ट वे में उसको हम समराइज करेंगे, क्योंकि हमारे 16 से क्या स्टार्ट होने वाले हैं, मेजर टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। बेटा, आपके लिए बता देते हैं, कल आपका क्या होगा, प्रैक्टिस टेस्ट होगा। आपका जितना भी सिलेबस हुआ है, आपके 7 चैप्टर्स हुए हैं, ठीक है, कितने भी चैप्टर्स हुए आपको, उन सबको कंप्लीट लर्न करना है, ऐसे समझ के कि जैसे कल ही आपका मेजर टेस्ट है, आपको कल एक आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो आपको सॉल्व करना है, वो सेम आपका कैसे होगा, जैसे आपका टेस्ट आने वाला है उस तरह से ही ये टेस्ट होगा, ठीक है। और आपको टाइमिंग बता दी जाएगी, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ग्रुप में आप अवेयर रहिए कि आपका टेस्ट आप पोस्ट, मतलब आप उसको डिलीट ना करें, टेस्ट आप टाइम पे दें, ये सब कुछ आपके अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके मैसेज देखें। अब हम बात करेंगे अपने रिविजन की, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स आपको क्या कहता है, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं आपके, जिनमें क्या होती है सांस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो क्या लेते हैं आपके, जो फूड बनाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके। फिर उसके बाद कह रहा है कि रेस्पिरेशन, बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो यहाँ से बात आती है आपका, एक दो चीज़ें हैं, एक तो क्या आपका डाइजेस्टिव, सेकेंड उसके बाद क्या है रेस्पिरेटरी। देखो डाइजेस्टिव में क्या होता है, आप जो खाना खाते हैं अपने माउथ के थ्रू क्या कराते हैं, एंट्री कराते हैं, फिर वो आपका पूरी बॉडी पे घूम के फिर आपका एक्सक्रीट होता है, ठीक है, बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो डाइजेस्टिव। क्या बोलते हो उसको आप, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हो। बट जो रेस्पिरेटरी होता है, रेस्पिरेटरी आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी आपका इस तरह का प्रोसेस होता है कि जो आपका वो फूड डाइजेस्ट कराया था वो किसके हेल्प से हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से हुआ है। क्यों? कि जो हमारा नोज है, नोज क्या करता है आपका, क्या हुआ है, मैंने सांस अंदर ली है और सांस बाहर निकाल ली है, तो वो जो अंदर ली है और बाहर निकाल ली है, हम निकालते तो एयर ही है, ठीक है, फिर इसका क्या मतलब हुआ, बार बार सांस ले रहे हैं जा रहे हैं, ये रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। आपका रेस्पिरेशन क्या है कि जो आपने खाना खाया है उस खाने को आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस खाने से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो किसके हेल्प से मिलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के हेल्प से मिलती है। क्या होता है, जो आपका फूड है, जो ग्लूकोज है, वो हर सेल तक पहुंचता है, आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एंट्री कराते हैं, ऑक्सीजन एंट्री कराने के बाद वो सेल के अंदर ग्लूकोज भी है और आपकी ऑक्सीजन, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके लिए एनर्जी बनाती है बॉडी में, ठीक है, एनर्जी लिब्रेट करती है। तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन होता है बेटा, रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, एक बायो केमिकल, आपकी खुद की बॉडी भी और केमिकल प्रोसेस भी है, बायोकेमिकल आपका प्रोसेस है जिसके अंदर आपको जो फूड होता है वो यूटिलाइज होता है एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, या फूड को आप चेंज करते हो एनर्जी की फॉर्म में, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन बेटा आपके टू टाइप का होता है, इनर और आउटर। बेटा आउटर वाले को आप क्या बोलते हो, ब्रीथिंग बोलते हो, ठीक है, इनर वाला क्या होता है, केमिकल वाला होता है। आउटर में क्या कहता है, ब्रीथिंग। देखो एक कहते हैं कि सब बोलते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग आपकी अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक ही है, बट ये दोनों क्या होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है कि आप एटमोसफेयर के जो ऑक्सीजन है, जो भी गैसेज है, उनको आप इनहेल कर रहे हो, फिर आप बाहर निकालते हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये प्रोसेस क्या आपका ब्रीथिंग, सिर्फ जिसमें क्या होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप जो एंट्री कराते हो गैसेस किस में रिच है आपकी, ऑक्सीजन रिच गैसेस है, कैसी किस गैसेस रिच है, ऑक्सीजन ज़्यादा है उसमें, और जब आप आउट एयर कराते हो उसमें क्या ज़्यादा है आपकी, CO2 रिच गैसेज होती है, ठीक है, ये किस में आता है आपका, ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होता है। बट रेस्पिरेशन में तो मैंने इसकी बात ही नहीं की, रेस्पिरेशन आपका क्या प्रोसेस है, जो आपका फूड है उसको यूटिलाइज करना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रेस्पिरेशन बोलते हो। तो ये दोनों में क्या हो गया आपका, डिफरेंस हो गया। रेस्पिरेशन क्या कहता है, रेस्पिरेशन ये कहता है कि जो ग्लूकोज है उसके साथ क्या रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, फिर क्या होता है आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और आपकी एनर्जी बनती है। ये सारा का सारा होता कहाँ है, ह्यूमन बींग्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आपके ये किस में होता है, सेल में, कहाँ होता है, जहाँ पे ग्लूकोज मिलेगा ना आपकी बॉडी में, सेल्स में,
उसी का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जो एनर्जी होती है ना, जैसे आप बोलते हो जहाँ से आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा जो एनर्जी है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, वो एटीपी की फुल फॉर्म में होती है। कैसे होती है आपकी, एटीपी की फुल फॉर्म में होती है। और एटीपी आपका क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी क्या है आपकी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी यूनिट है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये आपकी रिएक्शन जो इसमें होती है बेटा, जो सेल के अंदर होता है, यहाँ पे ये सेल के अंदर हो रहा था रेस्पिरेशन, पर इसको आप क्या बोलते हो, आप इसको एक और नाम है इसका, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको आपका, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बात आ गई। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे बात आता है टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। बेटा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन आपने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट इज एरोबिक, सेकेंड इज एनएरोबिक, उसको क्या बोलते हैं आप, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो। एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं आप, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का तो सेम यही रिएक्शन हो गई कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, यूज हो रहा है। एनएरोबिक के केस में आप क्या करोगे बेटा, एनएरोबिक के केस में आपके जो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्कोहल बनता है आपके पास, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, और एक आपका इसमें मेन प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तीन मेन प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ईस्ट वगैरह, जैसे ईस्ट हो गए, कुछ बैक्टीरियाज हो गए, उनकी हेल्प से क्या होती है आपके पास ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या किया जाता है आपका कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की आपकी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पे, एब्सेंस है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया आपका, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई आपको, एनर्जी। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स, आप जैसे सडनली नॉर्मली रहते हैं और जब आप रेस करते हैं, ठीक है, आपने सडनली, आप मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता हो गया या डॉग आपके पीछे पड़ गया है, तो आपके वहाँ पे क्या करते हो आप, बहुत स्पीडली भागते हैं। ठीक है, वो कम से कम आप मान लीजिए आपने 15 मिनट्स तक भागे, तो नेक्स्ट डे आपको क्या होता है, आपके लेग्स में पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा थ्रोलिंग पेन होता है, मतलब कपा देने वाला पेन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप भाग रहे थे, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज था सेल्स में, भागते हैं तो सांस कम ले पा रहे हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो वहाँ पे आपको क्या कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल की वजह से आपकी बॉडी में क्या जाती है, एठर आ जाती है। ठीक है, या इसका एक और होता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ग्लूकोज है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो किस में कन्वर्ट हो गया आपका, लैक्टिक एसिड में। आपकी बॉडी में एसिड भी बना देते हैं वो, लैक्टिक एसिड मसल्स में। इसी वजह से कहा जाता है कि जब जैसे आप कहीं विजिट वगैरह पे जाते हैं, टूर वगैरह पे जाते हैं, आप थक जाते हैं नॉर्मली, आपके पेन होता है बॉडी में, तो क्या कहा जाता है कि आप क्या कर लीजिए, एक हॉट वाटर से आप बाथ ले लीजिए। क्यों, क्योंकि जो हॉट वाटर होता है आपकी बॉडी का क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड के पास ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, आपकी सेल्स के पास क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 में और उसको वाटर में। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपका ब्रेक हो जाएगा CO2 और वाटर में, तो उस वजह से आपको यहाँ पे क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी, आपकी ऐठन कम हो जाएगी, आपका पेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होते हैं, तो अपने रीजंस को ध्यान रखिए, क्योंकि साइंस किस पे बेस है, आपके फैक्ट्स पे बेस है। फिर उसके बाद बेटा इसकी बात करते हैं हम, इसकी बात आगे कैसे करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए इसका डिफरेंस देख लीजिए। इसके अंदर आपका क्या था,
एक्शन चाहिए थी, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें पेन होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नीड नहीं होती, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नीड होती है। इसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका क्या है? एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है? ब्रीथिंग हमने पढ़ लिया बेटा। ब्रीथिंग के बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है टिडल वॉल्यूम। टिडल वॉल्यूम क्या होता है कि जब आप एक बार सांस ले रहे हैं, ठीक है, आपने सांस ले ली तो उस टाइम के ऊपर आप कितनी ऑक्सीजन आप एंट्री कराते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, कितनी गैसेस एक ब्रीथिंग में आपकी एंट्री करती है, तो उसको उस गैसेस के जो वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं आप? टिडल वॉल्यूम बोलते हो। क्या बोलते हैं उसको आप? टिडल वॉल्यूम बोलते हो। अप्रोक्सीमेटली 400 या 500 ml होता है आपके ह्यूमन बींग्स में। ब्रीथिंग रेट क्या होती है? इससे एक और दया इसकी बात आती है। इन सब की डेफिनेशन बेटा आपको आपके नोट्स में मिलेगी। आज हम रिवाइज करा रहे थे, हम डेफिनेशन आपको बोर्ड पे नहीं करके दिखा रहे, शॉर्ट फॉर्म में करा रहे हैं। आप बोलने पे ध्यान दीजिए। ब्रीथिंग रेट क्या होती है बेटा? कि आप एक मिनट के अंदर कितने टाइम्स क्या करते हो? ब्रीथ करते हो, सांस लेते हो, मतलब कितनी बार आप गैसेस एंट्री कराते हो, कितनी बार गैसेस एग्जिट कराते हो, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल आप कितने टाइम्स कराते हो उसको क्या बोलते हो आप? ब्रीथिंग रेट बोलते हो। जैसे अगर हम काउंट करने लगे कि हम टाइम देख लें कि वन मिनट के अंदर हम कितनी बार हम सांस ऊपर नीचे लेते हैं, तो वो क्या होती है वुमेन बींग्स में मोस्टली 15 to 20 टाइम्स। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है एज अवर वर्क। अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो आपकी ब्रीथिंग रेट क्या जाती है? इंक्रीज, आप हाँफने लग जाते हैं, ठीक है। वुमेन बींग्स सोते हो तो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है रेस्ट के टाइम पे। फिर उसके बाद ये कह रहा है ब्रीथिंग रेट जो बच्चे होते हैं उनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड मैन, ठीक है। ये हो गया इतना। इसके बाद आपका यहाँ पे टॉपिक आता है कि जो आप ह्यूमन बींग्स के अंदर हैं सांस कैसे लेते हो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग वो किस तरह से होता है। इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, इसके लिए डायग्राम बनाना, जिस दिन तो हमने डायग्राम आपको सीधा बना बना दिखा दिया था, आज थोड़ा ध्यान दे के आप देख लीजिए क्या होता है डायग्राम बनाने के लिए। बच्चे जिनकी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है मेरी तरह, क्या होगा उसका फेस रेडी करना है, सबसे पहले उसकी नोज बनाएंगे सिक्स के शेप में, ठीक है। उसके बाद इस तरह से उसका माउथ बनाएंगे, फिर आप ये उसकी जो आप बोलते हैं ठोड़ी ये बनाओगे, उसके बाद इसको शेप दोगे इस तरह से, ओके, और यहां से आप इस तरह से दोगे, ओके। ये क्या बन गया? ह्यूमन बीइंग। ये हैंड्स हो गए, ठीक है, ये इतना बन गया है, समझ गए आप। इसके बाद इसके थोड़ा ज्यादा लंबा ले लिया, इसको इस तरह से ले लीजिए, ओके। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, माउथ से, आपको पता है आप सांस कहाँ से लेते हो? माउथ से भी लेते हो, और कहाँ से लेते हो आप? नोज से भी लेते हो। दोनों का क्या है यहाँ पे? एक ही पाइप बन जाता है। दोनों से आप क्या ले रहे हो? सांस ले रहे हो। हो गया इतना। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं यहाँ पे अपने डायग्राम के अंदर, आपको यहाँ पे जैसे काफ़ी चीज़ें बतानी होती है कि आपका नेसल पैसेज कहाँ है, ये चीज़ें कहाँ है, ओरल कैविटीज़। तो जहाँ पे आपका ये गला होता है यहाँ पे आपका क्या होता है? वोकल कॉर्ड होता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? आपको लैरिंजेक्स आप जो बोलते हो ना उसको, आपका वो वोकल कॉर्ड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बता रहा है इस जगह पे आपको जो मिलेगा एक्टिविटीज में, डायग्राम को तो हम क्यों खराब करते हैं, यह आपकी क्या है यहाँ पे नेसल पैसेज बोल दीजिए आप या इसके ओरल कैविटीज बोल दीजिए, ठीक है। यह आपका क्या था? माउथ। यह आपका क्या है? नोज। और जिस इसे एयर एंट्री कर रही है वो क्या? आपके नेसल पैसेज, ठीक है। ये विंड पाइप आपका जहां पे जाएगा आपको पता है यहां से, जहां से ये वो लैरिंजेक्स है आपका, ये बोलते हैं आप इसको, इसका पार्ट होता है मेन आपका क्या होता है? फैरिंक्स। यहां से आपके सेपरेट्स होते हैं, ठीक है, फूड पाइप और आपका विंड पाइप, ठीक है। तो आपका जो फैरिंक्स होता है वो पीछे बैक में होता है, लैरिंक्स आपका आगे होता है, वोकल कॉर्ड्स के लिए यूज करते हो।
यहाँ पे आपको लंग्स बनानी है। लंग्स आपके किस शेप की होती है? इस तरह की आपकी लंग्स हो गई। जहां से ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, राउंड राउंड पाइप्स होते हैं इस तरह से। इसको क्या बोलते हो आप? ट्रेशिया। क्या बोलते हो इसको आप? ट्रेशिया। इसका सेकंड नाम क्या होता है? विंड पाइप। क्या बोलते हो इसको आप? विंड पाइप बोलते हो। ये आपकी क्या है? दोनों के दोनों लंग्स है। ये क्या आपकी लंग्स है? इसको क्या बोलोगे आप? विंड पाइप बोलोगे। ठीक है बेटा, ये दो चीजों में डिवाइड हो गया। ट्रेशिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकस। इसको क्या बोलते हैं आप? ब्रोंकस बोलते हो। ठीक है, और उसके बाद ये सब डिवाइड होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? बैलून शेप में बहुत फैली हुई होती है। इस तरह से इससे क्या होते हैं यहाँ पे, ये आपको ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं आपके? बैलून शेप में होते हैं। जैसे ही गैस एंट्री करती है, ये क्या करते हैं? फूलते हैं। जैसे बैलून आपका फूलता है, उस तरह से फिर जैसे ही एग्जहेल करते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? लंग्स को एक्सपेंड कराते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। उस तरह से इसका काम चलता रहता है। जो आपकी इनको क्या बोलते हो आप? स्मॉल पोर्शन को ब्रोंकी बोलते हो। क्या बोलते हो आप इनको? ब्रोंकी बोलते हो। इनको क्या बोलते हो आप? एलिवोई। ओके, ये पूरे की पूरे जो लंग्स होती है, ये हड्डियों के केज से क्या होती है? ढकी हुई होती है। उसको क्या बोलते हो आप? रिब केज बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? रिब केज बोलते हो। और इसके बॉटम भी क्या होता है आपका? डायफ्राम होता है। क्या होता है आपका? डायफ्राम। बेटा इस डायफ्राम का काम यहाँ पे क्या होता है? देखो, जैसे आप सांस लेते हो तो ये क्या होती है? लंग्स तो ऊपर जाती है और डायफ्राम क्या जाता है? नीचे। तो यहाँ पे बीच में स्पेस बन जाता है, जो गैसेस एंट्री कर जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, याद रखना, इन हल्के प्रोसेस में जब आप सांस अंदर लेते हो, लंग्स कहाँ जाती है? अपवर्ड्स। और जो आपका डायफ्राम है, ये क्या जाता है? डाउनवर्ड्स। आपका स्पेस बनता है लंग्स और डायफ्राम के बीच में। और जैसे आप गैस एक्सहेल करते हो, तो ये तो जाता है डाउनवर्ड और ये जाता है अपवर्ड। तो इनके बीच में जो गैसेस थे उसको ये बाहर निकाल देते हैं और ये सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, इनहेल के टाइम पे एक्सपेंड होते हैं, वैसे क्या करते हैं? ये सिकुड़ जाता है। ये आपका रेस्पिरेशन था आपका ऑर्गेनिज्म में। इसमें होता क्या है, यहाँ से आप सांस लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एयर एंट्री करती है, इसके थ्रू आपके यहाँ लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या होता है? उसका प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जितनी आपको यूज चाहिए वो सेल्स के पास पहुँच जाती है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकली थी रिएक्शन के बाद, वो वापस इसी के थ्रू आपके नोज से बाहर निकल जाती है। इतना ही आपके सिलेबस में, इतना ही आपको पढ़ाएंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिर ये कह रहा है कि जो आपका मूवमेंट है डायफ्राम का, ये मसल्स कंट्रोल करती है। उन मसल्स को आप क्या बोलते हो? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हो आप उनको? इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हो। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आप जब सांस लेते हो तो आपको ये नहीं है कि आप सांस बाहर निकालते हो, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कहता है कि जब आप एंट्री लाते हो गैस की, तो वहाँ उसमें 20% ऑक्सीजन होती है और 0.04% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन होती है इनहेल के टाइम पे। जब आप एक्सहेल कराते हो तो उस टाइम के ऊपर ऑक्सीजन लटकी कितनी जाती है? 16% और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? 4.4% हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बाहर निकालोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और वाटर वेपर्स निकलते हैं उसके साथ। तो वाटर वेपर्स का तो परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर आप मिरर के ऊपर फूंक मारते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वाटर ड्रॉप्स जम जाती है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया कि वाटर ड्रॉप्स बाहर निकलती हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है? इसके लिए बेटा एक टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? कि अगर आपकी कोई टेस्ट ट्यूब है, आप क्या लेते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते हो। टेस्ट ट्यूब में आपने सोल्यूशन फिल किया है। किसका फिल किया आपने? क्यूक लाइम का। किसका फिल किया आपने? क्यूक लाइम का सोल्यूशन फिल किया है।
और इसके अंदर अगर आप फूक मार रहे हो तो मतलब CO2 गैस एंट्री कर रही है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, किस कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का। कैसे हो जाता है, मिल्की कलर का। तो इसी को क्या बोलते हैं कि यहाँ पे CO2 प्रेजेंट थी। आप ये क्विक लाइम ले लीजिए या आप इसको ये बोल दीजिए लाइम वाटर। आप लाइम वाटर यहाँ पे लेते हैं, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करती है तो वो कैसे कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। ये तो बात हो गई ह्यूमन बींग्स में आप सांस कैसे लेते हो। अब आती है इंसेक्ट्स में आप कैसे करते हो। तो इंसेक्ट के केस के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि जो अमीबा होता है, अमीबा आपको पता है अमीबा क्या होता है एक तरह से, आपका बताइए जल्दी अमीबा आपका क्या था, बताए आपको। सिंगल यूनिसेलुलर आपका क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या करते हैं अपनी जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन जो उसकी एक झिल्ली होती है इस तरह की उनकी शेप होती है, इसके थ्रू वो क्या करते हैं अपनी गैसेस को एंट्री कराते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं। और आपका हाइड्रा हो गया, स्पॉन्ज हो गया, वो क्या करते हैं उनकी स्किन मॉइस्ट होती है, स्किन के थ्रू करते हैं। तो आपके सिलेबस में पहले बात हो रही है कॉकरोच वगैरह की, आप ये बात कीजिए, अर्थवर्म्स की बात कर लीजिए। अर्थवर्म्स के केस में बेटा क्या होता है, अर्थवर्म्स जो होते हैं तो अर्थवर्म्स में आपको और लीचेस होते हैं, अर्थवर्म्स और आपके लीचेस, इनके अंदर आपके कोई ऑर्गन नहीं होते लंग्स टाइप के। इनकी स्किन क्या होती है, बहुत मॉइस्ट होती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम स्किन होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं, ठीक है। ये क्या था आपका अर्थवर्म और लीचेस, वो स्किन के थ्रू गैसेस को ब्लड में एंट्री कराते हैं और स्किन के थ्रू भी उसको गैसेस को बाहर कर देते हैं, ओके। फिर सेकंड केस कहता है आपका कॉकरोच का केस। तो कॉकरोच के केस में आपका क्या होता है, कॉकरोचेस होते हैं जो आपके, इसके अंदर भी आपकी कोई लंग्स नहीं होती, इसके अंदर ना सॉरी इसके अंदर आपका अदर इंसेक्ट्स की तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और इसके अंदर बहुत सारी एयर ट्यूब्स होती है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर एयर ट्यूब्स होती है, उनका नाम क्या है आपका, ट्रेशिया, ओके। और इन जो ट्यूब्स की ओपनिंग होती है उनको क्या कहलाते हो आप, स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं उनको आप, स्पाइरेकल्स। इनसे क्या होता है आपका, आप इसकी स्वेलिंग एक बार चेक कर दीजिए, ये थोड़ी स्वेलिंग मिस्टेक हो गई, कंफ्यूजिंग, स्पाइरेकल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होता है, ये तो आपकी बहुत सारी क्या है, ट्यूब्स है, एयर ट्यूब्स, उनकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं आप, स्पाइरेकल्स। इनके थ्रू गैसेज एंट्री करती है और इनके थ्रू ही गैसेज बाहर निकलती है, इतना इतना याद करना है। फिश का केस करता है, फिश में आपको क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए कोई लंग नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, उनके माउथ के अंदर वाटर एंट्री करता है, गिल्स के थ्रू जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसको क्या कराती है, अपनी बॉडी में एंट्री कराती है, फिर सेल्स में रिएक्शंस होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गिल्स के थ्रू भी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ये क्या प्रोसेस होता है आपका, फिश के अंदर प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी बात करता है प्लांट्स की, कि प्लांट्स में आप रेस्पिरेशन कैसे करते हो बेटा। देखो कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है खाना बनाने के लिए, तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस साथ साथ पढ़ते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपको क्या कहते हैं, कि रेस्पिरेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप, जैसे नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में होता है ना, क्या होता है, O2 तो क्या करती है, इन करती है, और CO2 क्या करती है, आउट करती है। तो प्लांट्स में भी सेम होता है, प्लांट्स भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन कराते हैं, O2 इन करते हैं और CO2 आउट करते हैं। बट फोटोसिंथेसिस आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कम अमाउंट में ले रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं वो भी कम अमाउंट में। आपके ड्यूरिंग डे टाइम में यहाँ पे क्या होता है, ये CO2 को क्या कराते हैं, इन कराते हैं, और O2 को क्या कराते हैं, आउट कराते हैं, ठीक है। तो ये जितनी O2 आउट करा रहे हैं उसका कुछ परसेंट ही वापस ले लेते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, आपको दे तो रहे हैं ना ऑक्सीजन, तो इसलिए आप बोल देते हो प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है। तो बेटा वो फोटोसिंथेसिस में होता है। अगर आपसे रेस्पिरेशन का केस पूछे तो आप ये बोलना कि रेस्पिरेशन में प्लांट्स में ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, कभी लटे लटाए, ये वाली बात बोल दो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड कह रहा है कि ये कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम होता है, जब आपके कब होता है, सनलाइट आती है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, ये कब होता है, ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ, डे एंड नाइट बोथ। यही रीजन है कि ये बोला जाता है कि नाइट के टाइम पे आप प्लांट्स के नीचे मत सोइए, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो नहीं रहा कि जो ऑक्सीजन बाहर निकले उस टाइम पे क्या है, आपको भी क्या चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, प्लांट को भी चाहिए, तो कौन देगा, पहले प्लांट बड़ा है, प्लांट लेगा और आपकी डेथ हो सकती है इस रीजन से। तो इसलिए बोला जाता है कि आप पेड़ के नीचे रात के टाइम पे मत सोना। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसके अंदर जो आपकी एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है आपकी,
जो आपकी केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? आपकी हीट एनर्जी में. किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है. और इसके अंदर आपकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? जो हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? आपकी केमिकल एनर्जी में. खाना बनता है ना, हीट किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल में. दोनों में अपोजिट है जस्ट. ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके अंदर आपकी ये कौन सा प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन है, ये कहाँ होता है? इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द बॉडी. ये कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी, मतलब आपके लीफ वगैरह पे होता है, ठीक है. बिल्कुल धीरे धीरे आज आपको ये टॉपिक कराया था, क्योंकि आपको थोड़ा हार्ड लगता है. इसमें काफ़ी नए वर्ड्स है जो आप यूज़ कर पाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे किसी भी रीज़न से. उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट्स के केस में कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि जो लीफ आप ऑलमोस्टली क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं. उनको क्या बोलते हैं आप? एपिडर्मिस. क्या बोलते हैं उसको आप? एपिडर्मिस. ये अलग से पार्ट बता रहे, डिफरेंस में नहीं है, ठीक है. जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वो किसके पार्ट के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं? एपिडर्मिस के थ्रू करते हैं. ये क्या होती है? उनकी आउटर लेयर होती है. बेटा वुडी स्टेम क्या कहते हैं? जो लकड़ी वाले तने होते हैं उनके अंदर आपको क्या होता है? एयर आपकी एंट्री कराती है. उनको नाम क्या है आपका? लेंटिसेल्स होते हैं. क्या होते हैं? लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स आपके क्या होते हैं कि जो उनका, जैसे आप बोल देते हो ना कि जो उनका बार्क होता है, आपने पेड़ के ऊपर, नीम जैसे पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा, एक छोटा जिसको बोलते हैं बार्क होता है, उसके अंदर टीनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ठीक है. और उसके बाद जो रूट्स होती है, आपकी रूट्स भी क्या करती है? एक रेस्पिरेशन करती है. उनके चारों साइड एक लेयर होती है, उसी का नाम क्या होता है आपका? एपिब्लेमा. ये क्या है? एक आपकी लेयर है जिसकी वजह से वो रेस्पिरेशन करते हैं. बेटा इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए. फिर उसके बाद आज आप, मैंने आपकी क्लास सेवन्थ के अंदर ये देखा है कि बच्चे आप क्या करते हो, ऑलमोस्ट 9, 10, 11 मैक्सिमम 11 स्टूडेंट्स आप क्या करते हो? ऑनलाइन क्लासेस लेते हो गूगल मीट पे. बेटा वो हमने अपने लिए कोई लगा रखी है? आपके लिए लगा रखी है. हम अपने टाइम निकालते हैं कि हमें पर्टिकुलर फिक्स टाइम है कि बच्चों को रूटीन के अकॉर्डिंग उनके डाउट पर्सनली लेने हैं, फेस टू फेस. वीडियोस हम दे देते हैं, उनके डाउट्स हम ले ही नहीं पाते. इसके लिए वो क्लासेस, और आप उनका यूटिलाइज भी नहीं कर रहे. गलत बात है ना ये. यूट्यूब पे आपकी वीडियो अपलोड किया, आपको 5-5, 6-6 डेज हो जाते हैं, और आपके व्यूज आपकी क्लास से जितने स्टूडेंट्स हैं उतने कंप्लीट नहीं होते. ये किसका फॉल्ट है बेटा? पढ़ाई आप करेंगे. हमारा काम क्या है? पढ़ाना, आपको गाइड करना. पढ़ना आपका काम है, आप पढ़िए. अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स के पैसे खराब कर रहे हैं. आपको पता है ना पेरेंट्स कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, और आप उसको खराब कर देते हैं. तो बिल्कुल लगन से पढ़िए. जितना आपको कहीं पे भी डाउट होता है टीचर से, एट प्रेजेंट वही की वही पूछिए कि मैम सर हमें यहाँ डाउट है. अगर आप कुछ नहीं करेंगे, यही टाइम आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए. मैं हमेशा कहती हूँ जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अपने क्या देते हैं, कभी एक्सक्यूज नहीं देते कि हमें ये नहीं मिला तो हम ये नहीं कर पाए. जो आपके बोल सकते हैं अनसक्सेसफुल पर्सन होते हैं, लेजी पर्सन होते हैं, वही एक्सक्यूज देते हैं कि हम स्कूल में नहीं जा रहे, उस वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होनी है. आपको ये समझना चाहिए कि आपके स्कूल से ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है, तो आप क्यों इतना ज़्यादा इतना कर रहे हैं? आपको पढ़ना चाहिए. एक्सक्यूज देंगे तो आपके ऊपर चॉइस है, आपको सक्सेसफुल होना है या अनसक्सेसफुल होना है.